नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। धर्म और आध्यात्म की नगरी काशी में आने वाला हर शख्स यहां भक्ति भाव में रमा रहता है। कहते हैं यहां की हवाओं में भी प्यार का एहसास रहता है, जिसकी एक झलक बॉलीवुड फिल्म रांझणा में भी लोगों को देखने को मिली। वो तो फिल्मी रांझणा था, लेकिन इन दिनों बनारस में एक और रांझणा की चर्चा जोरों पर है, जिसने शहर की गलियों से लेकर घाटों तक अपने प्यार के लिए पोस्टर लगवा दिए। दरअसल अपनी प्रेमिका को जन्मदिन की बधाई देने के लिए किसी सिरफिरे आशिक ने पूरे शहर को पोस्टर से पाट दिया है। आजकल बनारस की हर दीवारों पर, हर गलियों में, हर सड़कों पर सिर्फ एक ही पोस्टर नजर आ रहा है, जिस पर लिखा है हैप्पी बर्थडे स्वीटहार्ट। अपनी प्रेमिका को जन्मदिन की बधाई देने के लिए शहर भर में पोस्टर चिपकाने वाला ये शख्स कौन है, किसके लिए पोस्टर लगवाए हैं, ये किसी को नहीं पता। किसी को नहीं पता कि ये मिस्टर मिस्टीरियस आशिक आखिर है कौन। स्थानीय लोगों से एनएमएफ के रिपोर्टर ने जब बात की तो उन्होंने इसे हाईटेक लव का तरीका बता दिया, तो कुछ लोगों ने इसे बेहुदा हरकत करार दिया है। देखने को मिला स्वीटहार्ट, ये हम भी अभी देख रहे हैं। ये बड़ा देख के आशा लग रहा है हमको कि ऐसा ऐसा चीज आ रहा है इस जमाने में, कि देख के आशा लग रहा है। ये क्या कहें, कौन छटवाया होगा इसे? अब कोई यंग जनरेशन होगी, किया होगा और क्या। आप जान रहे हैं आज की जो जनरेशन है, आशिक लव मैरिज या जो भी है, वही सब है नमूना। क्या लग रहा है, अपनी महबूबा के लिए छटवाया है? हाँ और क्या, आजकल अपने को हाईटेक करने के लिए, अपने आशिकों को दिखाने के लिए लोग दिखाते हैं कि हम ये हैं, हम ये प्यार बन जाते हैं, मेरा आशिक ये हद तक है। जी, ये आशिक का रास्ता है, आप यहाँ से जा रही हैं। इस रास्ते भर में पूरा एक एरो और कुछ पोस्टर लगे हुए हैं, क्या लगे हुए आप नज़र देखेंगे? ये किसी का प्रैंक हो गया, तो कोई बदनाम करना चाह रहा होगा तो किसी को। क्या लग रहा है, ऐसी हरकतें करना कैसा है? बहुत गंदी हरकत है, बहुत ज़्यादा गंदी हरकत है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जिसने भी किया है बहुत गलत किया है। ये पोस्टर उसी मशहूर 80 घाट के आसपास लगाए गए हैं, जहां कभी पीएम मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान का संदेश देने के लिए झाड़ू लगाई थी। अब इन महाशय ने पोस्टरबाजी से भले ही अपनी प्रेमिका को जन्मदिन की बधाई देने की कोशिश की हो, लेकिन उनकी इस हरकत ने शहर की दीवारों को जरूर गंदा करने का काम किया है। इस पोस्टरबाजी से ये सवाल भी उठता है कि अगर ये किसी सिरफिरे आशिक ने अपनी प्रेमिका के लिए किया है तो क्या ये सही है, क्योंकि शहर भर में ये पोस्टर चर्चा का विषय बना हुआ है।